आज हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे। वैसे तो पैराबोला जो है कॉनिक सेक्शन का ही एक पार्ट है, जिसमें हमारी चार चीजें हमें पढ़नी होती हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। बट इन सबको सेपरेटली हमको पढ़ लेना चाहिए कि पैराबोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस किस तरह होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग मेजरली पैराबोला को देखते हैं कि पैराबोला को कैसे हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे, क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या उसमें डिस्टेंसेज हैं, कैसे उन डिस्टेंसेज को सही से देख कर हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे उसकी इक्वेशन आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकस। ये बहुत जगह आपने देखा भी होगा, और जब भी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, का मतलब क्या है कि अगर एक कोई पॉइंट पी है, देखो कोई भी कर्व बनता है तो वो हमेशा कैसे बनता है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही बनता है। कोई भी कर्व है, सर्कल है या कुछ भी है, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही बनता है। तो लोकस का मतलब है कि कोई पॉइंट कैसे मूव करके कोई कर्व बनाता है। इसका मतलब जब भी लोकस की इक्वेशन पूछी जाएगी तो आप पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन निकालेंगे कि पॉइंट कैसे मूव करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि पैराबोला दिखता कैसा है। तो पैराबोला देखो दिखता कैसा है, उसके लिए चार टाइप के पैराबोला होते हैं। एक होता है इस टाइप का, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, किस तरह से देखेंगे ये। इसको बोलेंगे क्योंकि ये दाहिनी तरफ खुला हुआ है, ओरिजिन के राइट खुला है, तो उसको बोलेंगे राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है, तो इस टाइप का जो पैराबोला होगा इसको हम बोलेंगे इट इज अ लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहां पर एक्सिस इस तरफ है। ठीक है, और इस तरह के पैराबोला को बोलेंगे एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब एक बचा और हमारा, दैट इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, That is x square equal to minus 4ay। इन चार पैराबोला की स्टडी हमें इस पैराबोला के यूनिट में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में केवल एक पैराबोला को समझेंगे, बाकी जो तीन पैराबोला हैं उनकी इक्वेशन या उनका फोकस, जो भी कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी है, वो सारा आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला को देखते हैं। ठीक है, जो पहली इक्वेशन हमने निकाली थी, तो पहले देखिए डेफिनेशन क्या है पैराबोला का। डेफिनेशन क्या है पैराबोला, क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट पी है हमारा एक्स कॉमा वाई, जब भी कोई पॉइंट लो उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो, एक्स कॉमा वाई हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिया, इस पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट एस का, कोई फिक्स पॉइंट एस है उसका डिस्टेंस और एक लाइन का डिस्टेंस, एक लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से ये सेम होना चाहिए, यानी कि पी एस इक्वल टू पी एम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन, जो पी एस जो डिस्टेंस है और पी एम जो डिस्टेंस है, ये आपको इक्वेशन देगी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ये इस डिस्टेंस को बराबर करने से, तो ये हमारी जो फिक्स लाइन है, मतलब कोई पॉइंट पी है कर्व पे, पॉइंट पी ऑन द कर्व, अगर वो कर्व पैराबोला होना है तो किसी फिक्स पॉइंट्स एस से पी तक का दूरी और उस पी से इस लाइन तक का दूरी, इसका लाइन मान लो डी। ठीक है, ये डी एम या डी डी डैश एक लाइन है, इससे जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये पैराबोला की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो कर्व पैराबोला होगा अगर पी एस इक्वल टू पी एम। ठीक है, तो अब देखिए इस फिक्स लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, और इस एस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, एस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हो, अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हो और फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो आप पैराबोला की इक्वेशन पी एस इक्वल टू पीएम से निकाल लेंगे। यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन वही कहती है कि पैराबोला कोई पॉइंट पी एक पैराबोला पे है, उस पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से किसी फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस अगर सेम आता है तो गिवन इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट, तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे,
दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हुज फोकस इज डायरेक्ट लिखते हैं हुज फोकस इज 1,2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया और फोकस दिया, तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूज करते हैं पी एस इक्वल टू पी एम को। अब देखो पी पॉइंट हमारा है, हमने माना एक्स कॉमा वाई, और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। याद रखना कोई भी लाइन जो है आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अरेंज करना होगा। अब इस पी से एस तक की दूरी, एस क्या है हमारा फोकस, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,2। ये कहां है अभी उससे लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट हम पी एस इक्वल टू पी एम लगा देंगे। तो देखो पी एस का डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम। क्या होगा, पी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन। पी से इस लाइन तक की दूरी कितनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला जानते हो, एक पॉइंट से लाइन तक की दूरी का ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो चलो लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स 1 वाला जो पॉइंट है वो हमारे एक्स वाई है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर क्योंकि वाई का कोफिशियंट भी 1 है। तो बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, दैट इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट एलिमिनेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, देखो रूट 2। कैलकुलेशन भी सीखना बहुत जरूरी है इसका, रूट 2 एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं रूट 2 अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 का, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देख कैसे करेंगे, 2 अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल स्क्वायर ओपन कर दिया, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू, देखो ये a प्लस b का या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगा दो, या फिर ऐसे कर लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस 1, तो यहां पर माइनस हो जाएगा। बस हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 2 एक्स माइनस 2 वाई। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना जहां भी दिक्कत हो आपको, जहां भी आपको लगता है कि ये चीजें हमें रिवीजन करने के काम आएंगी उनका स्क्रीनशॉट ले। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर उधर आ गया जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस टर्म और इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा। फिर देखो क्या बच रहा है, 2xy उधर जाके क्योंकि xy का कोई भी टर्म नहीं है, तो 2xy उधर जाके माइनस 2xy हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे x और y वाले टर्म मतलब माइनस 2x माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x होगा, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x। ठीक है, माइनस 8y और प्लस 2y ये हो जाएगा आपका माइनस 6y प्लस 2 8 10 और 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। ठीक है, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। आगे समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी बाय यूजिंग द परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक। तो अभी फिलहाल ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्लियर है, तो डायरेक्ट हमने पी एस इक्वल टू पी एम लगाया और उससे सिंप्लीफाई
कर लिया, तो हमें पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो यहां हमने बात की कि अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी हो और फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हो, तो बड़ी आसानी से हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पैराबोला में क्या क्या चीजें होती हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर हम एक केस लेंगे, दैट इज अ राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला किस टाइप का दिखेगा, तो पैराबोला इस टाइप का दिखेगा, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब इसमें हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे। तो पहला, सबसे पहला हम बताएंगे कि आपको कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है, और सब कुछ हम इसी पैराबोला के लिए अभी डिफाइन करेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जहां से पैराबोला ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब बन रहा है, तो 0,0, ठीक है। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमारा हो गया 0,0। फिर हमने एक वर्ड सुना था, उसके बाद इसके बाद फोकस ऑफ द पैराबोला, तो फोकस ऑफ द पैराबोला हमने यहां माना, एक पॉइंट पी हमने यहां मान लिया और हमने फोकस को यहां ले लिया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट हो गया एस, और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ए कॉमा जीरो होगा। मतलब अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो फोकस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो हो गए। तो फोकस ऑफ पैराबोला ए कॉमा जीरो, याद रखना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही ये होल्ड करेगा। तो इसी बात समझ में, फोकस समझ में, वर्टेक्स समझ में आया। फिर तीसरा आता है, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ कि जिसके अलोंग बना है, जिसके अलोंग कर्व बना है, कर्व किसके अलोंग बना है, एक्स एक्सिस के अलोंग बना है, ठीक है। या फिर बहुत अच्छा तरीका है, जिस पर फोकस लाई करता हो, तो फोकस किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गई एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज वाई इक्वल टू जीरो। तो बहुत आसानी से चीजें समझी जा सकती हैं, बस आपको ध्यान रखना है राइट थिंग यू हैव टू थिंक। तो तीसरा पॉइंट हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो देखो, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो जैसे ओरिजिन, जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी ए है, इसीलिए ये फोकस का पॉइंट ए कॉमा जीरो है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस आगे फोकस मिलेगा और लेफ्टवर्ड में ए डिस्टेंस पीछे हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, याद रखो, इट इज अ पैरेलल अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज द इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ए यूनिट। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस है, क्योंकि कोई भी लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a b c, इस तरह से होती है ना, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, सारी लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस है लेकिन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, a यूनिट दूरी पर, तो x इक्वल टू माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस a इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, इसको नाम दे दो डी और डी डैश। अब देखो पीएस इक्वल टू पीएम जो हमने बनाया था, दिस इज व्हाट पीएम। तो जब आप पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पीएस इक्वल टू पीएम यहां से समझ में आ गया, तो पीएस इक्वल टू पीएम इज द डेफिनेशन फॉर पैराबोला, जब भी आपको डायरेक्ट्रिक्स ऑफ फोकस गिवन। तो ये सेशन कर चुके हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट की। तो अब देखो डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट जब भी आपको पूछा जाए, तो पॉइंट जो पैराबोला पे है पी, तो पी से, तो पॉइंट पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होना चाहिए, याद रखना। डबल ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ पी टू पी डैश सच दैट परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे। तो डबल ऑर्डिनेट ये होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया डबल ऑर्डिनेट, तो ये डबल ऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, पी पी डैश हो सकता है,
ये भी डबल ऑर्डिनेट हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, बात समझ के। तो फोकस से पास हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पर ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो तो पी है एक्स कॉमा वाई, और एक हमने पॉइंट ले लिया ऐसा कि ये हमारा फोकस से पास हो रहा है, मतलब ये हमारा फोकस से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मान लिया हमने ये पॉइंट एम है और एम 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 डैश है, तो अगर कोई डबल ऑर्डिनेट, अगर कोई डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो जाए, इफ एनी डबल ऑर्डिनेट पास थ्रू फोकस, देन इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, तो उसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे, यानी कि एम एम डैश क्या होगा, इट इज अ लेटस रेक्टम, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज बात क्लियर हो गई होगी कि एम एम डैश हमारा लेटस रेक्टम है। कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर वो फोकस से पास हो देन इट इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। वैसे डबल ऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, पी पी डैश हो सकता है, हमने यहां एक पॉइंट लिया और यहां एक पॉइंट लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया सच दैट परपेंडिकुलर एक्सिस पे होना चाहिए, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर है तो हम बोलेंगे वो डबल ऑर्डिनेट है। लेकिन ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो तो हम उसको लेटस रेक्टम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसकी लेंथ भी पूछी जाती है। तो लेटस रेक्टम की लेंथ अगर निकालनी हो हमें, तो आप जानते हो कि m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा m टाइप का होगा, ठीक है, या a कॉमा लैम्डा मान लो, क्यों, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो a थी, याद होगा ओरिजिन से फोकस तक की दूरी a थी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा लैम्डा, क्योंकि ये दूरी a है, तो ये वाला पॉइंट मान लो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, लैम्डा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, पैराबोला हमारे पास क्या है, y square equal to 4ax, पैराबोला हमारे पास क्या है, y square equal to 4ax, और ये जो पॉइंट m है, m lies on the parabola, जो m पॉइंट है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर ये m पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो हम इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, यानी कि a कॉमा लैम्डा हम इसमें रख सकते हैं, x की जगह a रख देंगे, y की जगह लैम्डा रख देंगे, तो y की जगह लैम्डा रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाय a, तो लैम्डा देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, यहां से लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 2a, अंडर रूट ले लोगे, तो एक पॉइंट तुम्हें मिला a कॉमा 2a और एक पॉइंट मिला a कॉमा माइनस 2a। ध्यान से देखो, एक बार a के साथ 2a आएगा प्लस का, एक बार a के साथ माइनस 2a आएगा, तो a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a। अब बड़ी आसानी से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इट इज द लेंथ ऑफ m m डैश, और m m डैश आपको m के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, m डैश के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, तो कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, x1 minus x2 का होल स्क्वायर, मतलब a minus a का होल स्क्वायर प्लस 2a minus minus 2a, ये हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2a 2a 4a और 4a का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो 4a आ गया, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो आपकी 4a आ गई। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है m m dash, this is called what, length of latus rectum, और ये length 4a होती है। तो याद रखना, double ordinate must pass through the focus, then it is called as latus rectum, और latus rectum के coordinates अगर मिल गए आपको, तो बड़ी आसानी से उसकी length निकाल सकते हो by using the distance formula। ये आपके पास जो चीज है latus rectum, इसका लेंथ भी पूछा जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जाते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा ये होंगे अगर पैराबोला आपका y square equal to 4ax से। याद रखना, जो कुछ भी बोर्ड में भी लिखा हुआ है वो सब कुछ वैलिड है ओनली फॉर द पैराबोला y square equal to 4ax, ठीक है। तो इसमें एक लास्ट टर्म बचता है,
उसको डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फोकल डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से फोकल डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही मैं करने जा रहा हूं। लेटेस्ट रेक्टम हमारा हो गया कैलकुलेट, अब हम निकालते हैं व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस आप देख ही रहे हो, तो पॉइंट फोकल डिस्टेंस और फोकस से कुछ रिलेशन है। तो जो पैराबोला पे पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, उससे लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो फोकल डिस्टेंस इज पी एस। पी एस इज व्हाट? अंडर रूट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आपको गिवेन है, क्योंकि जो पॉइंट है पी वो पैराबोला पे ही है, तो आप उसकी इक्वेशन को यहाँ यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स, और वाई स्क्वायर क्या है हमारा फोर एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देख रहे हो ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, और डिस्टेंस है बिकॉज फोकल डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप मॉडुलस करा दोगे एक्स प्लस ए। क्योंकि ये सारी पैराबोला की हमारी बातें हो गई जिसमें हमने सब कुछ फाइंड करके देख लिया। तो हमारा ये सातवां पॉइंट था दैट इज अ फोकल डिस्टेंस। तो ये कंप्लीट पैराबोला जो तुम्हें क्लास 11th के लिए जरूरत है उसका हमने एक केस करा है जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। बट सारा कुछ आपको फिगर से पता होना चाहिए। अगर मान लो पूछा लेटर सेक्टम, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा लेटर सेक्टम एक डबल ऑर्डिनेट होता है जो कि फोकस से पास होगा। अगर फोकल डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता होना चाहिए फोकल डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला और फ्रॉम द फोकस, फोकस से उसकी दूरी को मेजर करता है। तो चलो एक केस लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस पैराबोला के लिए हमें ये सारी चीजें निकालनी है इंक्लूडिंग फोकल डिस्टेंस, और जिसका हमने अभी फॉर्मूला आपको निकाल के दिया था दैट इज a प्लस एक्स मॉडुलस, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस पैराबोला को, कोई भी पैराबोला आपको दिया हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वो किस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से होगा। जैसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, इससे फायदा क्या होगा a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अब आपके पास a पता है तो चलो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सबसे पहला वर्टेक्स क्या होता है 0 0, कोई इशू नहीं, ये पैराबोला इस टाइप का होगा राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वर्टेक्स हमारा 0,0 होगा। अगली बात करते हैं फोकस की, तो फोकस क्या होगा 1,0, ए की वैल्यू तुमने फाइंड करी है यानी कि आंसर हो गया 4,0, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा 4,0, बड़ी आसानी से देखो पता लग गया फोकस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला डायरेक्टली लिखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना है, या मैंने बताया था एक्सिस पहचानने के लिए कि फोकस जिस एक्सिस पे हो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यहां पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस है, इक्वेशन क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू 0, काम खत्म। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, आपको ए की वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और ए तुम्हें पता है एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 4 है तो डायरेक्टली आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट, तो डबल ऑर्डिनेट अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो जब तक आपको पता ना हो कि P पॉइंट क्या है, तो डबल ऑर्डिनेट की जरूरत अभी नहीं है, स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो P पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट मतलब लेटेस्ट रेक्टम ऐसा होता है ऑर्डिनेट, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4 और कॉमा, हमने आपको बताया था a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जिससे हम डबल ऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 4,2a मतलब 4,8 और 4,-8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लेटेस्ट रेक्टम जो आएगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इट इज द लेंथ, अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम निकालना तो डायरेक्टली 4a लगा सकते हो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना हुआ 4, आंसर आ गया 16, यानी कि जो लेटेस्ट रेक्टम है उसका जो लेंथ है वो 16 है, और लेकिन जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो a कॉमा 2a a कॉमा माइनस 2a, यानी कि जो पॉइंट है जिसको हमने m m डैश लिया था m
एम डैश लिया था, तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 4.8 और 4.-8, एम और एम डैश आपको दो पॉइंट मिल गए। तो आप इनसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फोकल डिस्टेंस बच गया, तो फोकल डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस एक्स, तो ए कितना है 4 है, तो 4 प्लस एक्स इज द फोकल डिस्टेंस। काम खत्म। कहां पर था हमने, अगर पी से कोई पॉइंट एक्स को वाई से फोकस को ज्वाइन कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल पीएस। तो ये हमने सारी चीजें कैलकुलेट करके देख ली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला से आई है, ठीक है। तो कोई भी पैराबोला का क्वेश्चन हो, सबसे पहला आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ द पैराबोला इज गिवन, उसके बाद आप ए की वैल्यू निकालो, और फिर सारे आपको ये पॉइंट्स आपको मालूम है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, इससे आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।